चलगा
प्राची तिका था बहुत ही मशहूर चरगा और प्राची तिका का एक ना है कि जब कोई भी अगर किसी अगर खाना हुए बाहर निकलू का कोई भी बेटा दुकान के अंदर आ गया और ऐसा मेहरबान है ऐसा भरा है इन्होंने गपशप मारसा उतो में बात करना पड़ेगा। अच्छा अब जो है ना मुझे इनके साथ उतो में बात करना पड़ेगा क्योंकि इनको जो है ना नहीं चलेगी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक क्या नाम है आपका? इमदादुल्लाह भाई, मैं तो काफ़ी अरसे से जो है ना यहाँ पर हम लोग आते भी हैं खाते भी हैं सब कुछ हमें पता है, लेकिन मेरा एक चैनल है यूट्यूब का वहीद खान तलोली के नाम से। तो कुदरती जब मैं यहाँ पे आज कुछ आपके पास आर्डर लेने के लिए आया हूँ तो मैंने सोचा कि भाई मैं अपने देखने वाले तमाम बहन भाइयों को आपका तारुफ भी करा दूँ कि आपकी दुकान कहाँ पर और आपका नाम क्या है दुकान का। आप तो अपनी दुकान की लोकेशन बताएं उसका नाम बताएं कि आपकी दुकान कहाँ पर है। सर हमारा दुकान का नाम है कराची के गायन कढ़ाई सेंटर। अच्छा सरकल रोड बारह मस्जिद के साथ है। बारह मस्जिद अगर मैं जी टी रोड की तरफ से आया जाए तो जी टी रोड की तरफ से आए पहले बारह मस्जिद आएगी उसके साथ। अच्छा इधर यानी कि डीपीओ ऑफिस की तरफ से आना पड़ेगा जीटी रोड से। अच्छा डॉक्टर प्लाजा की तरफ से आएंगे ठीक है जनाब। जी जी आप वहाँ भी आपके पास जाते रहे छोटा सा दुकान था मैं उधर से काम कर रहा था। जी सर्दी का मौसम है हमारा। अच्छा इनके पास हर किस्म की कढ़ाई भी आपको मिलेगी फिश भी मिलेगी और सीख कबाब सीख बोटी मलाई बोटी जो जो आइटम है जरा आप जरा अपनी जबानी बताएं ना हमारे देखने वालों को। हमारा पास अवेलेबल जो है मलाई बोटी है स्पाइसी बोटी है जो है बड़ा हमारा स्पेशल। अच्छा ग्रिल फिश है जो कढ़ाई में जो है वाइट कर। अच्छा तो भाई साहब मसला ये है कि हमारा जो चैनल है जिसपे हमारे लोग आपको देख रहे हैं आपको यहीं पर नहीं देख रहे बल्कि भी आपको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और सुना जा रहा है। अगर हमारे चैनल के वास्ते कोई बंदा आके आपसे कोई चीज़ खाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट करेंगे या नहीं? जब भी मेरा कोई भी बहन भाई इस दुकान के ऊपर आए कोई भी चीज़ खाने के लिए तो एक दफ़ा जो है ना हमारे चैनल का वहीद खान तनोली का नाम आपने लेना है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि भाई हमारी थोड़ी सी लाज रखेंगे। और इनके पास हम जो है ना 8 साल से यहाँ पर आते हैं खाते भी हैं और इनके साथ हमारी गपशप भी है। आज तो मैं त्यागन जो है ना यहाँ पर एक अपना कोई मेहमान है वो थे आर्डर लेने के लिए आया हूँ तो मैंने सोचा कि चलो एक बहाना भी है इस बहाने हम इनकी वीडियो बना लेते हैं और आपका तारुफ भी करा देते हैं। ये बहुत अच्छे इंसान हैं इनका मेन चीज़ जो है ना इनका अखलाक है। इस अखलाक की वजह से इनके पास लोग यहाँ पर आते हैं और इनके पास जो है ना खाना वाना खाते हैं और इनका स्टाफ जो है बहुत अच्छा है और स्टाफ का जो अखलाक है वो भी बहुत अच्छा है। मैं जरा इनके पास जो ये भाई बैठे हुए अभी क्योंकि इसके बाद अभी रश होती है इनसे पूछता हूँ कि क्या वजह है कि यहाँ पर क्यों खाने के लिए आते हैं जगह तो और भी बहुत सारी है। अस्सलाम वालेकुम ये सर ये सब बातें मेरे को मीडिया का पता नहीं। मैं आपसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि मैं तो यहाँ पर आते रहता हूँ आप भी आज यहाँ पर खाने के लिए आए हुए हैं तो ऐसी कौन सी खास बात है बात भाई के खानों में कि आप सारी जगह छोड़ के यहीं पर आते हैं खाने के लिए? आप सर अपना नाम भी बताए ना ऐसा भाई कहाँ से आए आप? मैं बाजार से। अच्छा ठीक हो गया ठीक है। मतलब इनका कोई जो स्टाफ है इसका कोई कंप्लेंट तो नहीं है ना? हमारे साथ तो ये बहुत अच्छे हैं जब भी मैं जिस किसी से पूछा है तो यही कहते हैं कि यार इनके स्टाफ की वजह से और इनके अखलाक की वजह से हम यहाँ आते हैं। तो मैंने बुलाया आज मैं उन्हें देखने वालों को बता दूं कि वाकई में ये बात सच है तो आज आपने भी तस्दीक कर दी है तो इस वजह से जो है ना अगर जिस किसी ने भी कोई चीज़ खानी हो बारबेक्यू के हवाले से तो कराची टिक्का पे जरूर आए और यहाँ पर आकर आप खाएं इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अगर मज़ा ना आया तो पैसे मैं आपको वापस दूंगा। अब चलते हैं जी दोबारा हम बाहर अपने आइटम की तरफ। बहुत शुक्रिया जनाब जज़ाकअल्लाह। दो बार बनाए
इधर बाबा जी भी आ रहे हैं, कैसा रहा ना बेस्ट है अमला को, फिर याद कर सो तैयार हो गया है, बहुत तैयार होती है, जवाब भी तैयार हो गया, नाल नाले और सख्ती भी आती है, इस वास्ते मैं सोचा कि भाई मैं अगर कुछ चेक करा तो चेक करके मैं दसा कि जायका वाकई टैक्स नंबर Dacă e dacă-s barbar, a zis, îmi putem în cam așa. आई लोरे 2009 से जहाँ पर काम करते हैं और बेहतरीन किस्म के खरीदार हैं, जब भी आपने खाना हो तो आप नूरला भाई के पास आए, उनसे दोबारा जिक्र करें, इंशाल्लाह आपका ख्याल करेगा, जैसे आप बोलेंगे उसके मुताबिक ही आपको चीज़ बना कर देंगे। और आज के लिए मेरे ख्याल में बस इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और इस वीडियो को देखकर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको पसंद आई है कि नहीं आई। इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।